क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को दुखी करते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करो, पर एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो फिर पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो कि उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि हर किसी की बात को आप अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना ठीक है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना। एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर एक औरत आदमी का सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है। वाह, क्या सिस्टम है। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता, दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो, पर सब ठीक है अब ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंस कर उठा करते थे
और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कमबख्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जो लोग मेरे न थे मुझे वही लोग अच्छे लगते थे। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। बहुत रुलाते हैं अक्सर दिल से लगाने वाले। पुराने ख्यालों वाले लोग हैं हम। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद है। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना होना तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है,
जिंदगी में अगर रिश्ते सच्चे हों और दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। पर वाह, वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो लोगों ने मेरे साथ खेला था। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2% के इंसान के बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे सारी उम्र, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने ये तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है दुनिया, हारे हुए को फिर से हरा देती है। समय का ये कैसा मोड़ है, सबकी रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का किसी को समय नहीं, बस खुश दिखने की सबको होड़ है। प्यार वो नहीं जिसमें जीत और हार हो, प्यार वो नहीं जिसमें इजहार और इनकार हो। असली में प्यार तो वो है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो, फिर भी दिलों में इंतजार हो। रिश्तों में सिर्फ इज्जत देना सीखो, ये चांद तारे तोड़ना सब कहने की बातें होती हैं। किसी ने पूछा कि प्यार क्या है, हमने कहा प्यार तो वो है जो हद में रहकर भी बेहद हो जाए। जो इंसान अपने मन की तकलीफों को, अपने दर्द को नहीं बता पाता, उसी इंसान को ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है ना, तो चाहे वो 1000 लोगों से मिले पर वो आपका ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके पास आ गया वो आपका अपना है और जो चला गया वो सपना है। दिल एक है और रहने वाले दो, एक दर्द और दूसरा वो। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूं खत्म हो गया, वो नजरअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिलों पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी हमने लोगों को रोते देखा है। खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत होता है। मैंने अक्सर देखा है शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ ही समझते हैं। आप भी वक्त की तरह ही बन जाओ, जिसे आपकी कदर नहीं है उसे दोबारा कभी मत मिलना। हमने तो अपने दिल में उम्मीद लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत मिलेगी वरना सीख मिलेगी। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो, सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई नहीं भूलता। जिंदगी में कुछ बड़ा वही इंसान कर सकता है जो समय के महत्व को जानता है। समय बदलता जरूर है, बस आप समय को थोड़ा समय दो। ज्यादा सोच